मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम द्वारा दलित युवाओं को पुरोहित बनाए जाने के प्रस्ताव पर सरकार घिरती नजर आ रही है। अशोकनगर में ब्राह्मण समाज ने इसके विरोध में रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बस्तर के कुमाकोलेंग गांव के दौरे पर गई जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर और अर्चना प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने कार्रवाई गांव वालों की शिकायत के बाद की। आरोप है कि नंदिनी सुंदर और अर्चना प्रसाद ने गांव वालों को नक्सलियों का सहयोग करने और पुलिस का विरोध करने को कहा। जेएनयू और डीयू के वीसी को पुलिस ने इसकी जानकारी दे दी है। ग्वालियर में आरपीएफ जवान धीर सिंह तोमर की करंट लगने से मौत हो गई। हादसा रविवार दोपहर को उस वक्त हुआ जब तोमर अपने घर में कूलर साफ कर रहे थे। धीर सिंह इन दोनों झांसी के आरपीएफ कमांडेंट दफ्तर में तैनात थे। इंदौर के एमवाई अस्पताल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां ऑपरेशन थिएटर में बच्चों को ऑक्सीजन की जगह नाइट्रस की सप्लाई दी गई, जिससे बच्चे की मौत हो गई। बच्चे को दिल की बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सरदार शहर के कीकरासर गांव में पुलिस ने कुख्यात अपराधी आनंद पाल के भाई विक्की सिंह की तलाश में दबिश दी, लेकिन दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी का फायदा उठाकर विक्की सिंह भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने आनंद पाल गैंग के पप्पू सिंह की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया था। अजमेर में सीआरपीएफ भर्ती परीक्षा में भाग लेने आए अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। परीक्षा देकर लौट रहे अभ्यर्थियों ने अजमेर सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन की कई बार चेन पुलिंग की। बाद में आरपीएफ की मदद से अभ्यर्थियों को शांत कर ट्रेन को रवाना किया गया, लेकिन आरपीएफ की मौजूदगी के बावजूद अभ्यर्थी ट्रेन की छत पर सवार होकर हंगामा करते हुए ही रवाना हुए। 26 मई को सिक्किम की बर्फीली पहाड़ियों में युद्धाभ्यास के दौरान शहीद जवान सुभाष का कल सीकर में उनके पैतृक गांव कूदन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद सुभाष की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों का सैलाब उमड़ा। अजमेर के कुंदन नगर इलाके में जमीनी विवाद के चलते दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। घटना में एक महिला सहित चार लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने हंगामा कर रहे 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जयपुर की सड़कों पर इन दोनों दौड़ने वाले एक ऑटो ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। इस ऑटो में सवारी नहीं बल्कि पानी मिलता है, यानी ये ऑटो चलता फिरता प्याऊ है। ऑटो ड्राइवर रतन लाल सैनी सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक लोगों को फ्री में पानी पिलाते हैं। कोटा में एक 3 साल के मासूम की मौत टैंक में गिरने से हो गई। बच्चा टैंक के पास ही खेल रहा था और इसी दौरान बच्चा टैंक में गिर गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे का शव बाहर निकाला।